एक नंबर गणित में आज हम दशमलव भिन्न चैप्टर से हैं, आवृत्ति भिन्न रिकरिंग फ्रैक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। आवृत्ति भिन्न ऐसी भिन्न होती हैं जिनमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद की जो संख्या होती है वो निरंतर आगे बढ़ती जाती है, यानी भाग पूरा उसका होता नहीं है। तो इसको हम परिभाषा से पहले समझ लेते हैं कि आवृत्ति भिन्न क्या होती है। तो जिन भिन्नों में दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो, या लिखा हुआ है जिन भिन्नों में दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो उसे आवृत्ति भिन्न या पुनरावृत्त भिन्न कहते हैं। ये भिन्न जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और दूसरी होती है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो शुद्ध पुनरावृत्त और मिश्रित पुनरावृत्त ये शब्दावली क्या कहती है ये भी देख ले हम। तो शुद्ध पुनरावृत्त, पुनरावृत्त मतलब रिपीट जो नंबर होता है, तो इसमें ऐसी भिन्न होगी जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंकों की रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति हो। और मिश्रित पुनरावृत्त में क्या होगा, इसमें ऐसी दशमलव के बाद जो होगी उसमें कुछ अंक जो होंगे वो पुनरावृत्त होंगे और कुछ अंक पुनरावृत्त नहीं होंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो शुद्ध पुनरावृत्त में जैसे हम कोई संख्या सपोज करते हैं, जैसे हमने पहले एक संख्या सपोज करी वो है 2/3। तो जब हमने 2/3 में 3 से 2 में डिवाइड दिया तो ये डेसिमल लिया और जीरो ली, 3 6 18, अगेन 2 बजा, दशमलव से फिर जीरो लिया, 3 6 18, फिर दशमलव से जीरो लिया, अपन ने यहाँ से माइनस करिए पहले, जीरो लीजिए, 3 6 18। ऐसे आप नोटिस करेंगे ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अब ये कंटिन्यू जा रहा है और आप देखेंगे दशमलव के बाद के सभी अंक एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, इसको हम क्या करते हैं, जो अंक रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर एक निशान लगा देते हैं, लाइन खींच देते हैं, इसे बार कहते हैं, ठीक है। इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे हम देखेंगे 43/99। तो अगर हम इसमें 99 से डिवाइड देंगे 43 में तो जाएगा नहीं, डेसिमल लेंगे जीरो, तो ये 4 जब आ जाएगा, 99 से 430 में डिवाइड देंगे तो दशमलव बार जाए, दशमलव लेके जीरो लेंगे, 4 जा टाइम गया, इसको सॉल्व करेंगे अगली बार 3 जा टाइम गया, आप नोटिस करेंगे फिर 430 आ गया, ऊपर भी 430 था, यानी ये फिर रिपीट होने लगेगा और 43 फिर आ जाएगा, ऐसे ये कंटिन्यू में फिर 43 आ जाएगा और ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें देखेंगे दशमलव के बाद के दो अंक समान हैं, तो हमारी परिभाषा ऐसी कहती है ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंक पुनरावृत्ति हो, यानी सभी अंक यानी दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो रिपीट हों। सुविधा के लिए इसे कैसे कैसे लिखते हैं, इसे लिख लेते हैं 0.43, और जो अंक रिपीट होते हैं उनके ऊपर पूरे पे बार लगा लेते हैं, तो ये बात समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार हम मिश्रित पुनरावृत्त में देखेंगे, तो मिश्रित पुनरावृत्त में हम समझने के लिए एक सवाल ले लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने मान लीजिए सवाल लिया हुआ है 13/45, तो 13/45 में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 13 में जब 45 से भाग देंगे तो दशमलव लेंगे जीरो लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हम नोटिस करेंगे 400 फिर रिपीट होने लगा, तो ये जो 400 बार बार आएगा तो ये 8 बार जाता जाएगा, तो इस प्रकार से इसमें 8 का रिपीटेशन होता जाएगा। तो इसमें आप नोटिस कर रहे हैं दशमलव के बाद एक संख्या तो वैसी ही है और बाकी पीछे का अंक रिपीट हो रहा है, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.2 और 8 के ऊपर केवल बार लगेगा। तो ऐसा जो होता है डिजिट उसे बोलते हैं मिश्रित, इसमें कुछ अंक जो हैं वो पुनरावृत्त हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, तो इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को समझने के लिए एक और छोटा सा सम देख लेते हैं हम लोग, और उसमें भी हम कोई संख्या देख लेते हैं। इसमें हम 330 से जब भाग देते हैं तो हम देखते हैं दशमलव 4 बार जाता है और फिर 1900 बचता है और 190 बचता है, दशमलव से जीरो लेते हैं तो ये 1900 यहाँ पर भी रिपीट होने लगा, तो 5 से जो अंक मिला है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी 5 7, इसमें भी 5 7, यहाँ एक जीरो बढ़ाकर आप इसको कंटिन्यू जब करेंगे तो यहाँ 5 7 5 7 बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 0.4 5 7 पे बार, 5 7 का रिपीटेशन हो रहा है, 4 का नहीं हो रहा है,
इस सवाल के अंतर्गत ये मिश्रित पुनरावृत्त है, ये शुद्ध पुनरावृत्त है। अब इस पर आधारित सवाल एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं उन्हें हम देखने वाले। एग्जाम में जो सम आते हैं उसमें ऐसे आता है 0.7 का जो बार है उसका भिन्न रूप क्या होगा। तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो हम इसमें पहले इसका डिटेल मेथड देखते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि ये जो संख्या है वो 7 का रिपीट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना कि x बराबर जो है वो होगी 0.7777। इसमें ये तो मालूम नहीं कितने 7 हैं, अनंत तक होते हैं। तो हम ये देखते हैं दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो एक संख्या और तैयार करते हैं इसी की। इसमें हम दोनों तरफ 10 का गुणा करते हैं। अगर दशमलव के बाद दो अंक हों तो 100 का गुणा करते हैं, 3 अंक हों तो 1000 का गुणा करते हैं। तो जो हम इसमें यहाँ लिख लेते हैं, दोनों तरफ 10 का गुणा करें, गुणा 10 का गुणा करें, ठीक है, बोथ साइड। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा, इसको गुणा करें, सोचिए 10 का गुणा करेंगे दशमलव का एक अंक सरक जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.7777 और ये अनंत तक। उसमें तो पता नहीं कितने 7 हैं। अब हम अपनी सुविधा के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और हम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमने माइनस किया तो ये आ गया 10x में से x गया। और ज़रा सोच के देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो सारे 7 कट जाएंगे, ये 7 अकेला बचेगा, तो ये 7 बच गया, तो ये आ गया 9x = 7 और x = हो गया 7/9। ये इसका आंसर हो गया। ये डिटेल मेथड है, अभी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसमें भी हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे कि x बराबर ये लिखा हुआ है 0.63636363, इस तरीके से कंटिन्यू है। इसमें चूंकि दो अंक है इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, ठीक है। तो ये दो अंक है तो दो अंक आगे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 63.63636363, इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। सिमिलर इसमें इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे तो 100 में से x गया, और यहाँ देखिए 63 पीछे वाले पूरे कट जाएंगे तो 63 अकेला बचेगा, तो ये आ जाएगा 99x 63, तो x = आ जाएगा 63/99। ये जो मेथड है लॉन्ग मेथड है, अगर आप इसका प्रयोग लगातार करेंगे तो ये भी इजी हो जाता है। फिर भी शॉर्ट ट्रिक मेथड्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उससे एक समय भी कम लगेगा और उसको अपन जल्दी भी समझ लेंगे। तो उसमें मैं आपके लिए कुछ नियम बना देता हूँ। जैसे पहला नियम है, उस नियम को आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर इन्हीं सवालों पर उन्हें लगा के भी दिखा देंगे आपको। तो पहला ये नियम है कि दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद जितने बार मतलब जो ऊपर लाइन खींची जाती है बार हो, उतने ही बटे में, बटे मतलब अंश बटे हर, उतने ही हर में 9 लिखें। ये पहला नियम, हम इसी नियम को अभी यहाँ लगा के देख लेते हैं। तो हमारा सवाल था, या सेकंड मेथड इसका समझ लेते हैं हम, हमारा सवाल था 0.7 का बार, तो 7 के ऊपर 1 है तो 7/9 इसका आंसर बन जाएगा। ऐसे इसको यहाँ देख सकते हैं, इसका सेकंड मेथड भी है। तो इसमें हमारे पास संख्या थी 0.63 के ऊपर बार, तो ये संख्या बन जाएगी 63/99, ठीक है। ये तो तब के लिए है जब पूरी संख्या दशमलव के बाद एक जैसी हो या दशमलव के बाद शुद्ध रूप में हो। यदि मिश्रित रूप हो, मिश्रित रूप का मतलब है जिसमें दशमलव के बाद कुछ संख्याओं का पुनरावृत्त हुआ हो, कुछ का ना हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, बार के बाहर की संख्या को शून्य के रूप में
हर में लिखेंगे। ये भी अभी यूज करके दिखाते हैं। तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी संख्या की फॉर्म ऐसी हो सकती है, जैसे मैंने एक सपोज कर ली 0.A, B और सी, और बी सी पर बार है। ये मिश्रित पुनरावृत्त संख्या का रूप है। तो इसे आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरी संख्या पहले लिखेंगे ए बी सी, इसमें से जो बार के बाहर अंक है उसे माइनस करेंगे अपॉन, में अभी नियम बताया था, बार के बाहर की संख्या को शून्य के रूप में लिखेंगे और जितने बार बार हो उतने 9 लिखेंगे। तो उसमें 2 पर बार है तो 2 का तो 9 लिख लो और जो अंक बाहर है उसका 0 लिख लो। तो इस तरह की ये फॉर्म बन जाएगी। इसकी अभी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ये हमने 4 सम इसके लिए लिख रखे हैं, मैंने पहले देखते हैं और पिछले वाले नियमों का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने देखा पूरे अंकों पे एक साथ बार है, जब पूरे पे एक साथ बार है तो आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4 और जितने पे बार है उतनी बार 9 ले लीजिए। तो ये इसका सिंपल सा आंसर ख़त्म हो गया, लॉन्ग मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सेकंड डिजिट को देखें तो उसमें 1 बार के बाहर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, पहले पूरा नंबर लिख लो और जो बार के बाहर अंक होता है उसे माइनस करो अपॉन में, जितने अंक बार के अंदर है उसका 9 लिखो और जो बार के बाहर है उसका 0 लिखो। इसे सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 3 अपॉन नीचे 9, 9, 0, ये इसका आंसर हो गया। सिमिलर अगर हम इसी को देखें तो इसमें भी बार के बाहर 2 अंक हैं, तो पहले पूरा नंबर लिखो, बार के बाहर जो अंक है उसे माइनस करो अपॉन में, जितने अंकों पे बार है उसके 9 लो और जो बाकी बाहर है उनके 0 लो। तो आपको ये सॉल्व करके आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 2, 2 अपॉन नीचे 9, 0। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाले में देखेंगे आप, पहले पूरी संख्या लिखिएगा फिर माइनस करिएगा बाहर का जो डिजिट है बार के अपॉन में, नीचे जिस संख्या पे बार है उसका 9, बाकी सबका 0 ले लीजिए। इसे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 1, 1, 1, 1 अपॉन नीचे 9000। तो मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस में ले लेंगे अभी तो और सरल हो जाएगा। अभी तक के सब में दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं थी, अब हमने 4 सवाल अपने मन से बना के रख लिए जिसमें दशमलव के पहले की संख्या भी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप कुछ नहीं है, जो दशमलव के आगे का अंक उसे हाथ ना लगाएं, बाकी को वैसा का वैसे ही रखें। तो जैसे हम अपनी सुविधा के लिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3+ ये हो जाएगा 58/99। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 whole number 58/99, ये इसका आंसर भी हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे भी लिख लेंगे आप 3+, बाकी का हिस्सा सॉल्व करने का नियम सेम रहता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 58 और बार के बाहर 0 है तो 0 घटा दीजिए अपॉन में, नीचे बार के अंदर 2 अंक हैं बाहर 0 है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 whole number 58/990। सिमिलर ऐसा ही आप इसमें भी सोचिएगा, 3+ ये हो जाएगा 58 के बाहर आपके 00 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपनी बात रख लेते हैं और 2 बार 9 रखेंगे और 2 बार 0 रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 whole number 58/9900। ऐसे अगले समय हो जाएगा हमारे पास, आप डायरेक्ट देखकर भी कर सकते हैं, अब तो देखते ही आने लगा होगा, पर इसमें अंतर है, इन सब में 58 पे बार था, इसमें 5 बाहर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पूरा अंक लिखना होगा 58 और 58 में से बार के बाहर वाला अंक हटाना होगा, फिर पूरा हमें जितने अंक बार के अंदर हैं उसका 9 और बाकी सबके 0 लेने होंगे। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3 whole number 58 में से 5 माइनस कर लो 53/9000। तो ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आता जाएगा। इसके सवाल और कैसे होते हैं वो भी एग्ज़ाम में सामान्य तौर पर ऐसा सम आता है, इसे हम देखेंगे। तो ये जो अलग अलग कर रहे थे उसी को मिला के लिख दिया है, बस बीच में प्लस लगा हुआ है। तो पहला सम हो जाएगा 63/99 पहला हिस्सा, सेकंड हिस्सा हो जाएगा 37/99 और अगला हिस्सा हो जाएगा 80/99। आप जितनी जल्दी से जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और 3 10 0 का 0, फिर एक उधर गया तो 8 और 1 9 3 12 6 18 180/99। एक तो ये तरीका इसे काट दीजिए, 9 से 1 जा 1 जा और 9 से 2 जा, आप इसको या तो डिवाइड दे दीजिए, ठीक, और डिवाइड दे के जो संख्या आएगी
डिवाइड देखिए संख्या आएगी वो आएगी 1.81 पे बार, 1.81 पे बार। इसका मतलब इस सवाल में 81 का रिपीटेशन होगा जब आप डिवाइड देंगे। आप चाहे तो इसका डिवाइड तो आप ही देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा और सम देख लेते हैं इसी से। चलिए इसमें अगला सम है, उसमें लिखा हुआ है तो पहले अंक में तो आप देख सकते हैं सीधा 7/9 आ जाएगा, बट सेकंड वाले में दिक्कत है, इसमें बार के बाहर अंक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 17-1/1 बार के अंदर जो अंक है उसका 9 और बाकी दो जो बाहर उसके 0। इसे जितनी जल्दी सॉल्व करें आप 7/9 ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 16/900। इसको आप एलसीएम लीजिए, आपको साफ दिख रहा है इसके ऐसे एलसीएम कितना आ जाएगा 900। तो ये 100 बार गया तो 100 से 700 हो जाएगा और ये 16 तो मिल जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 716/900। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसे आगे कैंसिल और कर सकते हैं आप, छोटा कर सकते हैं। अन्य सवाल और देखें अपन। ये जो अगला सम है इसमें आप देख सकते हैं दशमलव के पहले भी अंक हैं, तो आपने क्या करना है अपनी सुविधा के लिए दशमलव के आगे के जो अंक हैं उन्हें अलग कर देना है। तो यह आ जाएगा 2+13/99, यह आ जाएगा 4+24/99, ठीक है, यह आ जाएगा 5+37/99 और लास्ट वाला आ जाएगा 6+68/99। आप इसमें जो अंक पूर्णांक हैं उन्हें पूरा अलग 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 करके जोड़ लीजिए, तो 6 और 5 11, 11 4 15 2 17 आ गया, और बाकी का हिस्सा इसमें जोड़ लीजिएगा, इसे इनको जोड़कर आ जाएगा 142 और अपॉन में 99। अब आप 17 को थोड़ी देर भूल जाइए, आप केवल इतने हिस्से को देखिए। तो जब 142 से आप 99 भाग देंगे तो आएगा 1 सही, ये भाग जाएगा 99 का एक बार, तो आपके पास 142 99 बचे 43 आना चाहिए, 43/99, ठीक है। इसको मिलाएंगे, इसका पूर्णांक इसके पूर्णांक को मिलाएंगे तो जो हो जाएगा 17 और 1 18 सही, 43/99 ये इसके आंसर की फॉर्म होगी, ठीक है। और ओटी पे डिपेंड करता है कि आंसर सही बटे में देगा कि बार की फॉर्म में देगा, जैसे इसमें बार की फॉर्म है तो ये आपको सवाल देखकर ही पता चलेगा, ठीक है। अब मैं इसका अगले पेज पर होमवर्क देता हूँ, इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और होमवर्क अपना जांच जरूर कराया करिएगा, चेक कराएंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, इससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।